एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो गाइज, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इस वीडियो में स्किन वाइटनिंग को लेकर। तो गर्मियाँ पड़ रही है और पोल्यूशन तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है हर जगह पर। तो इतनी गर्मी में और पोल्यूशन के साथ आप अपनी स्किन को कैसे गोरा रख सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो मैं कोई चमत्कारी आपको कोई चीज नहीं बताने वाली जिसको आपने रात में लगाया और कल सुबह आप गोरे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ऐसा तो वो गलत बोल रहा है। किसी भी चीज को जब तक आप रेगुलर फॉलो नहीं करते तब तक उसके रिजल्ट्स आपके सामने निकल कर नहीं आते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्किन वाइटनिंग होने के पीछे साइंटिफिक रीजन, कि किस तरीके से साइंटिफिक रीजन की वजह से आप अपनी स्किन को एक से दो टोन फेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये हाइपर पिगमेंटेशन को फेड आउट कर देता है और साथ में ही आपकी स्किन को लाइटनिंग करता है। तो इसके लिए हमें बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लींजिंग। क्लींजिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि जब भी आप कोई स्किन केयर करते हो सबसे पहले आपका चेहरा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लींजिंग करना इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड है स्क्रबिंग। अब स्क्रबिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो स्क्रबिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके स्किन में जो अनलॉक पोर्स हैं और जिनमें डर्ट फंस गई है उनको निकाल कर बाहर करता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन में से डेड सेल्स को ख़त्म कर देता है और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके आपकी स्किन को ब्राइट रेडिएंट एंड फेयर करने में हेल्प करता है। तो थर्ड जो स्टेप है हमारा वो है प्राइमिंग। प्राइमिंग के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन लड़कियों, आप कहाँ जा रहे हो? आपने ये वीडियो ये सोचकर खोला था ना कि मैं स्किन वाइटनिंग के बारे में बात करने वाली हूँ, तो ज़रूर मैं इसमें आपके साथ स्किन वाइटनिंग के बारे में बात करूंगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर जिन्हें आप फॉलो करोगे तो आप जल्द ही अपने स्किन को फेयर कर पाओगे। तो अब बात करते हैं प्राइमिंग की। तो प्राइमिंग भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए क्लींजिंग है और स्क्रबिंग है। आपने क्लींजिंग कर ली, स्क्रबिंग कर दी, लेकिन आपने प्राइमिंग नहीं करी तो आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो स्किन को प्रोटेक्ट रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये 2 स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 3rd स्टेप अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ फ्लॉलेस वाइटनिंग पल्स सीरम। और इस सीरम को बनाने में जिस फार्मूले का यूज़ हुआ है वो फ्रांस में बनाया गया था। तो ये फ्रांस का बना हुआ फार्मूला है जिससे ये सीरम तैयार किया गया है। इसमें छोटे छोटे आप पल्स देख पा रहे हैं ना? तो ये जो सीरम है ये आपकी स्किन को गोरा रखने में हेल्प करता है। और किस तरीके से आपको गोरा रखने में हेल्प करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है सिवाय लिपस्टिक के और काजल के, बस ये 2 चीज़ें लगाई हैं। बाकी जो स्टेप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बस वही स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, और साथ में लास्ट में लगाया था ये सीरम जिसकी वजह से आपको मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग लग रही है। और जब फेस इतना ग्लोइंग लग रहा है तो मेकअप की क्या जरूरत है। तो हमारा पहला स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर टोमेटो। टोमेटो को मैंने काट कर इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसका 1 पार्ट लेकर मैं अपने चेहरे पर मसाज करूंगी। टोमेटो जूस की हेल्प से मैं अपने चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करने वाली हूँ, और उससे क्या होगा कि मेरी स्किन के अंदर जब ये टोमेटो जूस जाएगा तो मेरी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, क्योंकि टोमेटो के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन लाइटनिंग में वो फायदा करता है। 2 to 3 मिनट आपको सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करना है और उसके बाद इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है उसमें हमें यूज करना है ऑरेंज। ऑरेंज को भी काट कर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसका 1 पार्ट मैंने रख लिया है अपने स्क्रबिंग के लिए। अब क्या करना है, इस ऑरेंज के ऊपर आपको राइस फ्लोर डाल देना है। राइस फ्लोर आप पीस कर अपने घर पर बनाकर रख सकते हैं सेव कर। ये काफ़ी सारी स्किन से रिलेटेड रेमेडीज में काम आता है। तो आपको क्या करना है, बस इस ऑरेंज की हेल्प से जो इसमें जूस निकलेगा और जो चावल का आटा है इसके अंदर उसकी हेल्प से अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करना है। तो यहाँ पर भी आप 2 to 3 मिनट हल्के हाथों से अपने चेहरे पर मसाज करेंगे। और ये जो ऑरेंज जूस है ये क्या बेनिफिट करता है आपकी स्किन में, तो ये स्किन लाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आपकी स्किन 1 से 2 टोन फेयर हो जाती है, जितनी भी ब्लैक हेड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपकी स्किन को लाइट करने में बहुत हेल्प करता है।
तो राइस फ्लावर भी आपके स्किन को व्हाइटनिंग में हेल्प करता है, जैसे कि इसके अंदर होता है एंटी इंफ्लेमेटरी एंड स्किन व्हाइटनिंग एजेंट जो आपकी स्किन को एक या दो टोन फेयर कर देते हैं, सारी पिगमेंटेशन को रिमूव कर देते हैं, डेड सेल्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं, डेड स्किन को रिमूव करते हैं, तो बहुत कुछ ये आपकी स्किन में हेल्प करते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप है प्राइमिंग, और प्राइमिंग के लिए मैं जो यूज कर रही हूँ वो है वाओ स्किन साइंस का फ्लॉलेस व्हाइटनिंग पल्स सीरम, और इसके अंदर है सोला व्हाइट ग्लाइकोफिल्म, और ये आपके स्किन को व्हाइटनिंग में कैसे हेल्प करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये जितना भी पॉल्यूशन और यूवी रेस की वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है वो इससे बचाएगा आपको, इस सीरम को अगर आप लगाओगे तो इन सब चीज़ों से आपको बचाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन को फेड आउट करेगा और आपकी स्किन को लाइट करने में हेल्प करेगा। और ये जो सीरम है वो पैराबेन और मिनरल ऑयल फ्री है, जिसकी वजह से ये सारी स्किन टाइप्स के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट और सेफ है। इसे कैसे यूज करना है, इसे यूज करने के लिए आपको चाहिए लूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी और एक टॉवल, उसमें उसको डिप कर दीजिए। टॉवल में से एक्स्ट्रा पानी आपको ड्रेन आउट कर देना है और उसके बाद उस टॉवल की हेल्प से अपने चेहरे पर हल्के हाथों से डैप आउट करना है। डैप करने से जो भी आपकी स्किन में पोर्स है वो ओपन हो जाएंगे, और बस वही हमें करना है, हमें ओपन पोर्स चाहिए इस सीरम को लगाने के लिए। और इस सीरम की एक ही ड्रॉप आपके पूरे चेहरे के लिए काफी है। आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर इसके छोटे छोटे डॉट्स बना लेने हैं और अपने फिंगर की हेल्प से हल्के हाथों से डैब आउट करना है। इसको ना तो स्मज करना है और ना ही आपको इसे रब करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको डैब करना है पूरी स्किन पर। ऐसा करने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से आपकी स्किन में जो पोर्स ओपन हुए हैं उनके अंदर ये सीरम पहुंच जाता है। इस तरीके से ये सीरम आपके स्किन के अंदर पहुंच जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरीके से ये आपको हेल्प करता है स्किन व्हाइटनिंग में। ये काफी अच्छा सीरम है, मैं इसे 22-25 डेज से यूज कर रही हूँ और इसके रिजल्ट तो आप मेरे चेहरे पर ऑलरेडी देख सकते हो कि बिना मेकअप के मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है। और इसे लगातार यूज करने से आपकी स्किन यूथफुल हो जाती है, ब्राइट लगने लगती है और ग्लोइंग हो जाती है, रेडिएंट हो जाती है, स्किन फेयर हो जाती है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो गाइस अगर आप इस वीडियो में दिए गए सारे स्टेप्स लगातार फॉलो करेंगे और 15 डेज एवरी अल्टरनेट डे आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलने ही मिलने हैं। और आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आपको कितना फ़ायदा करा ये सारे स्टेप्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, हो सकता है ये उनके भी काम की हो। तो बस मैं मिलती हूँ अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।